हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की स्टडी हम डिस्कस करेंगे कि हम रेक्टेंगल का एरिया देन उसके बाद उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे इन क्यू बेसिक। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यू बेसिक पहले उससे ओपन किया है। देन आफ्टर ओपनिंग इस स्क्रीन को बड़ा करने के लिए आप कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर का यूज़ करेंगे। देन आफ्टर डैट कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं कमेंट दूंगा टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यदि आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग लिखें तो ज़्यादा बेटर है, सो डैट जो भी यूज़र इसको रीड करेगा उसको पता लग जाएगा कि आप प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लगाएंगे। नाउ सी, सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट करेंगे लेंथ। सो यहाँ हम मैसेज टाइप करेंगे एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या एंटर लेंथ कुछ भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कोट क्लोज करेंगे, देन दिस वन सेमी कॉलन, देन लास्ट में लेंथ के लिए मैं यहाँ एल वेरिएबल ले लेता हूँ, देन एंटर। देन इनपुट मैं कर रहा हूँ एंटर ब्रेथ, ब्रेथ को यहाँ क्लोज किया, सेमी कॉलन दिया, ब्रेथ के लिए मैं बी दे रहा हूँ। नाउ आफ्टर डैट देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपने एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया के लिए मैं यहाँ एरिया ले रहा हूँ, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंटर कर दिया। देन पेरीमीटर के लिए मैं यहाँ पेरीमीटर लिख लूँगा या आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। पेरीमीटर के यहाँ मैं पेरी दे रहा हूँ, इक्वल टू टू इंटू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। या मैंने एल इंटू बी क्यों लिया, बिकॉज ऊपर मैंने वेरिएबल एल और बी लिए थे। अगर आप यहाँ पूरे भी लेना चाहें और वेरिएबल लेना चाहें इनको और भी कोई नाम दे सकते हैं। फिलहाल लेंथ इंटू ब्रेथ ज़्यादा बेटर लगता है। सो इन दोनों को मैंने यहाँ फाइंड कर लिया। मीन टू से सबसे पहले यूज़र के थ्रू मैंने इनपुट किया लेंथ, देन उसके बाद ब्रेथ किया, देन उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट हो गया और उसका पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया। नाउ ये जो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ या बैकेंड में हुआ, नाउ इसको मुझे जो स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले कराना है कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल इक्वल टू दिस वन। देन यहाँ एरिया के लिए मैं क्या ने क्या लिया था, एरिया। सो मैं यहाँ एरिया टाइप कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। आफ्टर डैट प्रिंट में अगेन लिखेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करना चाहते हैं पैरीमीटर। जो पैरीमीटर पर कैलकुलेट किया वो यहाँ शो करेंगे, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, देन यहाँ पर इक्वल टू के बाद इनवर्टेड कोट क्लोज करेंगे, देन सेमी कॉलन, पैरीमीटर के मैंने यहाँ लिया था पैरी, देन एंटर, और यहाँ पर एंड स्टेटमेंट कर दूंगा। तो इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे और टैब फाइल करेंगे, या डायरेक्टली माउस से फाइल पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव कर दीजिए, और मैंने प्रोग्राम का नाम दिया रेक्टेंगल डॉट बी ए एस। जो बी ए एस है ये एक्सटेंशन है क्यू बेसिक की, तो उसको मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ। बैड फाइल आ रहा है तो उसको यहाँ से और कोई नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ रेक्ट डॉट बैस दिया, तो यहाँ पर फाइल सेव होगी। नाउ अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, ऑल्ट आर फोर रन करिए। तो यहाँ पर एक वन मोर थिंग, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू दीजिए जिससे आपको पता लग जाए कि इसका जो एरिया यही आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लेंथ 3 दी और ब्रेथ मैंने दे दी 2, तो देखिए एरे के अकॉर्डिंग एरिया आएगा उसके 6, जो देन उसका जो पेरीमीटर है 2 इंटू बी इंटू एच, सॉरी 2 इंटू बी इंटू एल या एल इंटू बी। तो 2 2 4, देन 4 3 12, तो एक आंसर 6 आना चाहिए, एक आना चाहिए 12। तो जब मैंने एंटर किया तो देखिए एरिया क्या था, एल इंटू बी, एल इंटू बी मीन टू से 3 इंटू 2 उसका 6 आ गया, और पेरीमीटर 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो ये तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया। अगर आप किसी और का करना चाहते हैं, चलिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं रीनेम कर लेता हूँ, सेव एज करते हैं। सो मैंने इसको सर्कल दिया, सर्कल डॉट बी एस, इसी में मॉडिफाई करता हूँ टू फाइंड द एरिया एंड सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल। नाउ एंटर मैंने क्या किया, देखिए 2 पाई आर होता है,
तो यहाँ मैंने किया एंटर पाई, पाई की वैल्यू दे देंगे 3.1 होगी। एंटर पाई की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, देखिए। तो पाई की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ दे दिया पी पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर देंगे, रेडियस, एंटर रेडियस। तो रेडियस के लिए मैं दे दूंगा आर, कैलकुलेट करके देखते हैं होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मीन टू से पी इंटू आर इंटू आर, देन उसके बाद यहाँ का सरकमफ्रेंस होगा, तो मैं यहाँ पर सी आई आर लिख रहा हूँ। सरकमफ्रेंस होता टू इंटू पाई आर, टू पाई आर मीन टू से टू, पाई की पाई के लिए मैंने पी यूज़ किया है और आर के लिए हम आर ही लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ लिख देंगे सर्कल, ये तो फिलहाल मैंने सेम ही लिया एरिया। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस, देखिए उसी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको पहले क्या किया, रीनेम किया, उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ। देन यहाँ पर सी ई आर किया, तो इसको ऑल्ट आर फॉर, पहले फाइल ऑल्ट एफ फाइल करेंगे, इसको मैं यहाँ से सेव कर लूँगा, देन ऑल्ट आर से रन करूँगा। एंटर पाई, तो पाई मैंने दिया 3.14, एंटर किया। रेडियस यहाँ मैंने दिया 2, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जो उसका एरिया है और उसका जो सर्कमफ्रेंस है उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। आप इसको मैन्युअली बेशक अपने मोबाइल में या कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए, सेम ही रिजल्ट आएगा। अगेन जब आप इसको ऑल्ट आर फोर रन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ आप चेंज भी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उतना रिजल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमने किया कि सबसे पहले अगर हमने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन फाइंड करना है, जैसे पहले हमने किया था एरिया देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देन नेक्स्ट हमने किया एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये दोनों फॉर्मूले हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इन क्यू बेसिक, इसका मैंने आपको मेथड बताया, और दूसरा एक ही प्रोग्राम में उसको सेव करके दूसरे प्रोग्राम में कैसी मॉडिफिकेशंस करेंगे वो बताया, एंड उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्मूलेस को डिस्प्ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, और इनपुट करेंगे वैल्यूज़ को विद द हेल्प ऑफ इनपुट स्टेटमेंट, और लास्ट में देखिए एंड तो आपने लगाना है, अगर आप एंडली लगाएंगे तो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा। सो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस करके देखिए, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस प्रोसेस को करने में आप करते हैं तो, और साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फैन के चार्ज करना मत भूलिए, सो डैट वो भी इन डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके अपने वर्क को ईजी कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।